नमस्कार दोस्तों, मैं समीर डिजिटल पावर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी एक बड़ी भर्ती हम लेकर हाजिर हो चुके हैं। अब तक की जो भर्ती है उसमें सबसे बड़ी भर्ती है और बहुत से दोस्तों को इसका इंतज़ार था कि ये वैकेंसी कब आएगी। तो फाइनली ये वैकेंसी यहाँ पर मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पर इसमें पद जो है वो पंचायत सहायक, DO एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट पदों पे भर्ती के लिए नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ साथ इसमें बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊँगा आगे भी, जो यहाँ पे इससे क्या बेनिफिट है, क्या आपको हानि हो सकती है, इसमें क्या क्या जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। टोटल पद जो है वो 8,880 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन मेरे सामने है और आप भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो यहाँ पे जैसा बताया गया है कि पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इसमें आवेदन शुरू जो होगा वो 30 जून से होगा, सॉरी फ्रेंड्स 27 जून से होगा और आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। ठीक है, इसमें पत्रांक देख सकते हैं और दिनांक यहाँ पर देख सकते हैं 28/3/2022 के अंतर्गत पंचायत सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा अकाउंटेंट के पद पर चयन हेतु निम्नांकित योग्यता व विवरण अनुसार आवेदन पत्र योग्य अभ्यर्थियों से आमंत्रित किए जाते हैं। यानी जो भी यहां पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट या पंचायत सहायक के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन पंचायती राज विभाग की वेबसाइट का उल्लेख नहीं किया गया है। इस वेबसाइट पर ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा, यहाँ पर ऑनलाइन लिखा हुआ है। देखते हैं यहाँ पे नंबर वन में आपको मिल जाएगा 3 प्रकार के पोस्ट, पंचायत सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट। योग्यता देख सकते हैं और इधर आपको पोस्ट भी मिल जाएगा कितने पद पर भर्ती होगी। तो पंचायत सहायक के लिए योग्यता इंटर या उसके समकक्ष और जो यहाँ पे कंप्यूटर की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होगा, लेकिन इसमें आपको इंग्लिश जो है 35 वर्ड और हिंदी आपको 25 वर्ड टाइपिंग स्पीड मांगा गया है। पद यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,659 और जो यहाँ पे पंचायत सहायक का है वो 3,265 पोस्ट है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे जो जानकारी दिया गया है अकाउंटेंट के लिए, इसमें स्नातक मांगा गया है और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, एमएस ऑफिस यानी एमएस वर्ड आपको चलाना आना चाहिए। पद जो है 956 है। वेतन यहाँ पे देख सकते हैं, वेतन आपको पंचायत सहायक के लिए 9,200 मिलेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 22,600 और अकाउंटेंट के लिए 27,300 दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह की आपको वैकेंसी मिल जाएगी। इसमें और भी जानकारी दिया गया है, मैं आपको सभी जानकारी बारी बारी से बता रहा हूँ, ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें आप जानेंगे कि अप्लाई इसको करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है और करना है तो कैसे करना है, ध्यान देखिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं न्यूनतम योग्यता ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की जो तिथि है उस दिन तक आपका शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होना चाहिए यानी आप उत्तीर्ण होना चाहिए, ये अनिवार्य रखा गया है। उम्र आपको न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र आपको यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार दे दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितना अधिकतम उम्र रखा गया है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे चयन का जो प्रकार दिया गया है उसमें प्रथम चरण में आपको 100 अंकों को बहुविकल्पी प्रश्न होगा यानी प्रथम चरण, और द्वितीय चरण में होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग टेस्ट एवं अन्य पदों के लिए सामान्य कंप्यूटर ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षा शुल्क देख सकते हैं सामान्य के लिए 625 रुपये, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा पुरुष के लिए सभी के लिए 625, SC ST के जो है कैंडिडेट और जो बिहार के स्थायी निवासी हैं उनको 465 रुपये और सभी जो श्रेणी के दिव्यांग हैं जो बिहार के स्थायी निवासी हैं 465 रुपये उनको, और जो भी यहाँ पे महिला होंगी बिहार के उनको भी यहाँ पे 465 रुपया लगेगा और बाहर के जो स्टूडेंट होंगे बिहार राज्य से
बाहर यानी दूसरे अदर स्टेट से होंगे तो उनको भी 625 रुपया पे करना होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो लेटर है वो पंचायती राज विभाग की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन इसमें आपको किसी तरह की जो भी यहाँ पे सिग्नेचर किया जाता है उसमें जो भी यहाँ पे पदाधिकारी साइन करते हैं सिग्नेचर करते हैं वो तो नीचे यहाँ पे मेंशन किए रहते हैं, डेट जरूर आप देखे होंगे मेंशन किया हुआ रहता है, लेकिन इस तरह की कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं दिया गया है किस डेट में इसको साइन किया गया है और नीचे लिखा गया है पंचायती राज डिपार्टमेंट। दूसरी बात, एक पेज का कोई नोटिफिकेशन नहीं होता है, ये फुल नोटिफिकेशन नहीं है। प्लस पॉइंट में यहाँ पे भी है कि इसमें अप्लाई करने का जो डेट दिया गया है और अप्लाई करने का जो वेबसाइट है उसको ब्लैंक रखा गया है। अब किस वेबसाइट से इसको कराया जाएगा इसके बारे में जानकारी नहीं है, हालांकि मेरे दोस्त हैं उनके द्वारा इसको मेरे व्हाट्सएप पर भेजा गया है और बताया गया है कि आप चेक करके बताइए कि जो वैकेंसी है फेक है या रियल है। तो अगर आपको ये जानकारी है इसके बारे में कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसके बारे में अगर आपके पास इस संबंधित और भी कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है तो आप हमें डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, आपके ईमेल पे जो भी जानकारी शेयर किया जाएगा उसको मैं अलग से जितने भी शेयर करेंगे सबका जो मैं कैलकुलेशन करके अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं आपको ये जानकारी दे सकूं कि ये जो जानकारी है फेक है या जो रियल है। इससे संबंधित मुझे मेरे पास एक दोस्त ने बताया था जो मैंने आपको वीडियो के जरिए शेयर किया हुआ ताकि आप लोग को भी जानकारी मिल सके और आप लोग के जो पास जानकारी है उसको आप मेरे साथ शेयर कर सके। तो अपडेट जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी आप अपडेट कर सकते हैं इसको, आप पढ़ने के लिए इस पीडीएफ को अगर आपको ज़रूरत है आप पढ़ सकते हैं इसको, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि आप भी वहां से आपको अपडेट मिल जाएगा। तो यहां पे यही जानकारी आपको देनी थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।